प्लीज सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं प्लास्टिक कैनवास में आपको डिजाइन बताने वाली हूँ वो मल्टी कलर का बनेगा। तो देखिए इस तरह के हमें मल्टी कलर चाहिए होंगे, तो आइए शुरू करते हैं डिजाइन को। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी मैट में हम डिजाइन बनाएंगे। आइए यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कॉलम में हम इस तरह से सुई को निकालेंगे बैक साइड से और इस कॉलम में लाएंगे फर्स्ट कॉलम में इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में हमने पक्का कर लिया है। अब इसी कॉलम में फिर से निकालेंगे, 11 कॉलम में ही इस तरह से निकालेंगे। इसे हम डबल बनाएंगे डिजाइन को, ये दोनों साइड से एक जैसा दिखने में लगेगा। तो आप इसे हैंड फैन में डाल सकते हैं इस डिजाइन को। यहाँ से एक कॉलम हम पीछे आएंगे इस तरह से। देखिए इस साइड से आप देख सकते हैं एक कॉलम हम साइड में हो चुके हैं। जो हमारा ये पहला कॉलम है इससे हम दूसरे कॉलम में जाएंगे इसकी साइड में इस तरह से, एक एक कॉलम कम करते हुए आएंगे। इसी कॉलम में फिर से निकालेंगे और फिर से इस कॉलम में जाते हुए एक कॉलम नीचे आएंगे। यहाँ से एक कॉलम नीचे आए थे, फिर से इसके नीचे एक कॉलम आएंगे, फिर से इस साइड में एक कॉलम नीचे हो जाएंगे इस तरह से। एक एक कॉलम दोनों साइड से कम करेंगे, फिर से आएंगे एक कॉलम नीचे आएंगे, फिर से इस कॉलम में आएंगे एक कॉलम इस तरह से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमारे सिर्फ दो रो रह चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से एक एक कॉलम हम कम करते हुए आए हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब बीच में दो रो रह गई हैं, 1 और 2, इन्हें भी हम क्लोज करेंगे इस तरह से। अब फिर से इसी साइड में जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर एक एक कॉलम नीचे आते हुए आए, एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, फिर से इसके साइड में आएंगे, एक कॉलम आगे जाएंगे, एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर जाते हुए डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब इस कलर को हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगले कलर को लगाएंगे तो इसी कॉलम से हम काउंट करेंगे, जिस कॉलम में हमने येलो कलर को लगाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और इस कॉलम में निकालेंगे और सेम इसी तरह से डिजाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मैंने इसे बनाकर कंप्लीट किया है उसी तरह से इसे भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने इस डिजाइन को बनाकर कंप्लीट किया। सेम इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी एक एक कॉलम हम बैक गए थे इस साइड से भी, दोनों साइड से, और यहाँ से हम एक एक कॉलम ऊपर की ओर गए थे। जिस तरह से मैंने इसे बनाया उसी तरह से इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप मल्टी कलर के बना सकते हैं या दो कलर के भी बना सकते हैं, अल्टरनेट में चला सकते हैं। जैसे कि मैंने येलो चलाया है, फिर यहाँ पर रेड, अब यहाँ पर आप येलो कलर को भी लगा सकते हैं या और भी कलर लगा सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन। इसके हम ऊपर किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो वाला कॉलम हमने बंद किया था, इसमें हमारे ये एक कॉलम बंद है, तो इसी के सामने जाएंगे ऊपर साइड में, यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम रो को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसके सामने आएगा इस तरह से 11। ये जो बीच में हमने बनाया था इसी कॉलम में आएंगे दोनों, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए डिजाइन हमें सेम इसी तरह से बनाना है, तो इसी कॉलम में हम फिर से निकालेंगे इस तरह से और एक एक कॉलम हम कम करते हुए आएंगे। एक कॉलम इस साइड से कम करेंगे, एक कॉलम इस साइड से कम करेंगे इस तरह से, एक एक कॉलम हम कम करते हुए चलेंगे। और जब हम इसके सामने आ जाएंगे, देखिए जिस तरह से इसके सामने आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है डिजाइन को बनाना। इसी तरह से इसके सामने आ जाएंगे तो डिजाइन को बनाना क्लोज कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पूरी रो में इस तरह से बना लेंगे। फिर से हम इस वाले कॉलम को इसके ऊपर रिपीट करेंगे, सेम जिस तरह से इसे बनाया है उसी तरह से हम ऊपर रिपीट करेंगे और इस तरह से हम अल्टरनेट में बनाते हुए चलेंगे। बीच के कॉलम को आप अपने इच्छा से भी भर सकते हैं या मैं जिस तरह से भर रही हूँ उस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए बीच के डिजाइन को भरना शुरू करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे इस तरह से इस कॉलम में। तो देखिए फ्रेंड, फिर इसी हम कॉलम में आएंगे, यहाँ पर हमने दो दो बार निकाला है एक ही कॉलम में, तो यहाँ पर भी हम दो बार निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और फिर से इसी कॉलम में आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सुई को, देखिए इस तरह से यहाँ पर आते हुए दो बार हम इस वाले कॉलम में भी निकालेंगे। एक बार हमने सुई निकाल ली है, फिर से एक बार निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए इसी कॉलम में निकालेंगे और मैट को घुमाएंगे अगले कॉलम में, इससे अगले वाले कॉलम में, यहाँ पर देखिए इस कॉलम में निकालेंगे रेड वाले में इस तरह से, और यहाँ आएंगे इसके एक कॉलम ऊपर, फिर से इसे हम दोहराएंगे। कॉलम में आते हुए हम इस साइड में जाएंगे इस तरह से, इसी कॉलम में फिर से निकालेंगे। अब आएंगे हम इस साइड में इस कॉलम में, एक एक कॉलम हम नीचे ऊपर आ रहे हैं, देखिए इसमें निकाला फिर इसमें, अब अगले वाले में इस तरह से निकालते हुए चलेंगे। यहाँ से एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, देखिए इस तरह से इस साइड से भी दो बार निकालेंगे। यहाँ पर आएंगे अगले कॉलम में, फिर से इसी कॉलम में आएंगे और हमें निकालना है। अब यहाँ पर आएंगे अगले कॉलम में, अब लास्ट का जो ये बचा हुआ कॉलम है इसे हम इस बीच में निकालेंगे यहाँ पर इस तरह से, और अगले ऊपर वाले कॉलम में निकालेंगे। देखिए यहाँ से भी हमने एक एक कॉलम ऊपर बढ़ाया है, यहाँ से भी एक एक साइड से कॉलम लेते हुए ये डिजाइन इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह का गैप लग रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, बैक साइड में आएंगे और इसके बीच से हम यहाँ पर आएंगे और इस कॉलम में निकालेंगे। देखिए यहाँ पर येलो वाले कॉलम में निकाल लिया है, अब यहाँ से हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर भी हम दो बार ही निकालेंगे इस तरह से, अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे डिजाइन बनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।